Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the 10th question. The question is a line perpendicular of a line passing through 1,0 and 2,3. Divides it in a ratio 1:1. एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन की जो 1,0 2,3 से पास होती है एंड इसे डिवाइड करती है 1:n की रेशियो. देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. आपको उस लाइन की इक्वेशन बता. मैं आपको ड्रॉ करके और बेटर अंडरस्टैंड कराता हूं. सी नाउ हमें लाइन एल की इक्वेशन को जो है फाइंड आउट करना है. दिस लाइन एल जो कि क्या है परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन पे जो कि 1,0 2,3 से पास हो रही है. मैं इन पॉइंट्स को से ए एंड बी कहता हूं. Now, since जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है से दिस इज अ पॉइंट पी ये कितना 1:n के रेशियो में जो है डिवाइड करता है. नाउ सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे. लेट या से द पॉइंट्स फॉर गिवन लाइन. जो गिवन लाइन के पॉइंट्स है उन्हें ए 1,0 एंड बी 2,3 में लेता हूं. Now, required line intersect it at point या at P. P पर करती है in ratio 1:n. So, P के coordinate आपको मालूम करने हैं. और P के coordinate हम कैसे निकाल सकते हैं. हमारा यहाँ पे सेक्शन फार्मूला जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था मैं हम उससे निकाल सकते हैं. मैं रिकॉल करा देता हूँ सेक्शन फार्मूला क्या होता था. यहाँ पर अगर रेशियो m:n है और दो पासिंग पॉइंट ये क्या है ये रेशियो है और दो पासिंग पॉइंट x1y1 x2y2 होते थे तो p के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से आते थे कि m+n यानी सम ऑफ द रेशियो m+n सम ऑफ द रेशियो. ये x और y कोऑर्डिनेट है दोनों के डिनोमिनेटर में सम ऑफ द रेशियो. नाउ m की मल्टीप्लाई होती थी m(x2+n)(x1) एंड m(y2+n)(y1). तो यहां पर m 1 है और n जो है वो n के ही बराबर है और x2 y2 जो है मैं 2, 3 को लेता हूं. x1 y1 जो है 1 और 0 को लेता हूं. सो देयरफॉर ये आपका दिस रफ सेक्शन. नाउ तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी में डायरेक्टली लिख देता हूं. कोऑर्डिनेट ऑफ द पी विल बी 1+n, 1+n एंड 1 की मल्टीप्लाई में सबसे पहले 2 में कराता हूं तो 1:2 एंड देन n की मल्टीप्लाई 1 में प्लस n(1). सिमिलरली स्टूडेंट मैं 1 की मल्टीप्लाई 3 में कराऊंगा 1:3 एंड n की मल्टीप्लाई 0 में कराऊंगा n(0) यानी दिस. अब इसे सॉल्व करते हैं तो p की वैल्यू क्या आ गई दिस 2+n/n+1 और y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां पे क्या आ गई 3/1+n क्योंकि n(0) इज 0 तो 3+3/1+n. नाउ p के कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई. अब आपको लाइन p क्या हो रहा है रिक्वायर्ड लाइन से पास कर रहा था और रिक्वायर्ड लाइन का आपको दिस स्लोप. अब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी आपको पता होना चाहिए तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आप क्या मान लीजिए m2. इससे पहले मैं क्या करता हूं स्लोप ऑफ लाइन ए बी मैं निकालता हूं जिसे मैं m1 नाम देता हूं. अब दो पॉइंट वहां पर कौन से हैं दिस इज 1,0 एंड 2,3 तो स्लोप हो जाएगा 3-0/2-1 दिस इज 2-1 दैट इज इक्वल टू 3 आएगा. लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन किस m2 में ले लेता हूं इसे m2 ले लेता हूं. सो देयरफॉर m1 into m2 कितना हो जाएगा m1 into m2 इज इक्वल टू -1 सिंस बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो इस वजह से उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. नाउ देयरफॉर m1 की वैल्यू कितनी है 3 एंड m2 की वैल्यू अब सिंपली हम कितना निकाल देंगे m2 इज इक्वल टू -1/2. सो इक्वेशन ऑफ लाइन वो कितना हो जाएगी स्लोप आपको पता लग गया यहां पे कितना है -1/2 एंड एक पॉइंट पता लग गया पासिंग पॉइंट p तो यहां पर आ जाएगा -1/2 यानी कि स्लोप फॉर्म में मैं लिख रहा हूं इनटू x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p
कितना है 2 प्लस एन अपॉन एन प्लस वन, 2 प्लस एन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई की 3 अपॉन वन प्लस एन, 3 अपॉन वन प्लस एन दिस। अब यहां पर आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट में यहां पर माइनस, दिस इज माइनस वन बाई थ्री स्टूडेंट, मैं माइनस वन बाई थ्री को अभी ऐसे ही रखता हूं, अंदर की तरफ लेते हैं एन प्लस वन, एलसीएम आया और एन प्लस वन की एक्स में हमने मल्टीप्लाई कराई, माइनस टू माइनस एन ये आ गया। सिमिलरली दूसरी तरफ एलसीएम लीजिए तो वन प्लस एन की वाई में हुई माइनस थ्री अपॉन वन प्लस एन। नाउ स्टूडेंट दिस वन प्लस एन कैंसिल आउट, तो अब आपको क्या मिल गया, माइनस वन बाई थ्री इंटू एन प्लस वन एक्स माइनस टू माइनस एन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू वन प्लस एन वाई माइनस थ्री। अब मैं यहां पर थ्रू आउट क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने में सबसे पहले माइनस वन की अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस एन प्लस वन एक्स एंड प्लस टू प्लस एन, और थ्री की क्या करा देता हूं मैं दूसरी तरफ, तो हो जाएगा थ्री इंटू वन प्लस एन वाई एंड माइनस के नाइन। नाउ और इसे सॉल्व करते हैं, मैं क्या करता हूं एक्स वाली टर्म को राइट पर लेके जाता हूं, तो मुझे मिलेगा एन प्लस वन एक्स प्लस थ्री इंटू वन प्लस एन वाई, साथ जब टू जाएगा टू भी यहां पर क्या जाएगा नाइन की तरफ माइनस हो जाएगा एंड यहां क्या आ जाएगा माइनस इलेवन माइनस एन इज इक्वल टू जी। सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन।